हाय एवरीवन, फिर से आपको एक नया वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम आईडी को लिंक कैसे कॉपी किया जाएगा, और गाइस कॉपी करने के बाद उस लिंक को जो है सो अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट फोन से कैसे लिंक किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे आप इस सेंटेंस से भी जान सकते हैं जो अपने इंस्टाग्राम आईडी को जो है अपने यूट्यूब चैनल से कैसे लिंक किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट आज की इस वीडियो में जो है सो देखने को मिलेंगे। प्लस गाइस आपको हम लिंक करके भी दिखाएंगे जो कैसे किया जाएगा। जैसे गाइस बहुत ऐसे यूट्यूबर का आप देखते होंगे, लगभग में गाइस सभी यूट्यूबर जो है अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट फन में सारी वेबसाइट के लिंक दिए रहते हैं। जैसे हो गया इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक पेज, बहुत सारी और वेबसाइट होता है गाइस जिसका लिंक वो दिए रहते हैं। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उनके पेज पे आप पहुंच जाएंगे। तो गाइस ये सारी चीजें कैसे किया जाएगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आज देखने को मिलेगा। बस गाइस आपको करना क्या है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि गाइस इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट आज देख लेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगी जो कैसे अपने इंस्टाग्राम आईडी को जो है अपने यूट्यूब चैनल से लिंक किया जाएगा। इसलिए गाइस इस वीडियो को आपको क्या करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। ठीक है गाइस, तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और गाइस बेल आइकन ऑन करके ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रईस, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल राजू ऑफिशियल टिप्स। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो में हम देखते हैं जो किस तरह से अपने इंस्टाग्राम आईडी जो है यूट्यूब चैनल से लिंक किया जाएगा, या अपने इंस्टाग्राम का लिंक जो है कैसे कॉपी किया जाएगा, और कॉपी करने के बाद जो है अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट फॉर्म में कैसे पेस्ट किया जाएगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो को देखते हैं। गाइज यहाँ से आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट जो है सो अगर आप नहीं बनाए हैं तो पहले बनाना होगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना इंस्टाग्राम आईडी को कुछ इस प्रकार से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर गाइज अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए गाइज आपको एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो भी यूजर नेम बनाए होंगे आप उस यूजर नेम पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यूजर नेम पर क्लिक करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से कॉपी कर लेना है। देखिए यहाँ पे कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद गाइस अब क्या करना है, आपको यहाँ से बैक चलना है, ठीक है। आपको यहाँ से सिंपली बैक चलना है। बैक चलने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, गूगल क्रोम में आ जाना है, ठीक है। गूगल क्रोम ब्राउजर जो है सो आपको इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर गाइस आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम, ठीक है। यहाँ पर देख गाइस इंस्टाग्राम इस प्रकार से सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में फर्स्ट वाले लिंक पर आपको क्लिक करना होगा इंस्टाग्राम पर, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपको क्रोम ब्राउजर सेलेक्ट कर लेना है। आप क्रोम ब्राउजर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको आ जाएगा instagram.com, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा फिर से, और यहाँ पर आपको फिर से लिखना है instagram.com, ठीक है। यहाँ पर देखिए instagram.com लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको स्लैश दे देना है, ठीक है। स्लैश देने के बाद आप उस समय जो यूजर नेम जो कॉपी किए थे वो यूजर नेम आपको यहाँ पर कुछ देर इस प्रकार से दबा कर रखना है, और नीचे में यहाँ पर देखिएगा गाइज पेस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। पेस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा गाइज नीचे में हमारा जो है इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो बन चुका है, ठीक है। इस नीचे वाले पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा गाइज हमारा इंस्टाग्राम जो आईडी है गाइज वो आईडी यहाँ पर खुल के आ जाएगी। यहाँ देखिए ये मेरा ही आईडी है गाइज, ये आईडी खुल के आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना इंस्टाग्राम का लिंक बना सकते हैं। उसके बाद गाइज आपको करना क्या है, फिर से आपको यहाँ पर ऊपर में क्लिक करना होगा, और नीचे वाला यहाँ पर देखिएगा ये हमारा लिंक है, और यहाँ पर साइड में आपको दिख जाएगा कॉपी का ऑप्शन, ठीक है। इस पर आपको किस तरह से क्लिक कर देना है। इस तरह से क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा हमारा इंस्टाग्राम लिंक अब कॉपी हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से बैक चलना है। अब गाइज यहाँ से जानेंगे हम जो अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट फोन में इंस्टाग्राम लिंक कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो गाइज आपको करना क्या होगा, फिर से क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर गाइज आपको सर्च करना है www.youtube.com, नहीं तो आप यहाँ पे YouTube लोगो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद ऊपर में यहाँ पर देखिएगा 3 डॉट दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप साइड वर्जन में आपका अपना फ़ोन सेट कर लेना है, ठीक है। उस सेट करने के बाद यहाँ पर गाइज आपका जो है सो डेस्कटॉप साइड वर्जन में आपका फ़ोन यहाँ पर खुल के आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हमारा फ़ोन जो है सो खुल के आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सबसे ऊपर में दिखता होगा अपने
यूट्यूब चैनल का जो भी आप लोगो लगाए रहेंगे वो लोगो यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। उस लोगो पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से अगर यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा सबसे ऊपर में योर चैनल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। योर चैनल पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपका चैनल खुल के आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको दिख जाएगा कस्टमाइज चैनल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका अपना चैनल का जो है YT स्टूडियो क्रोम ब्राउजर में खुल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए गाइस हमारे चैनल का जो YT स्टूडियो जो है इस प्रकार से खुल के आ चुका है। अब गाइस यहाँ से हम जानेंगे इंस्टाग्राम ID का लिंक अपने अबाउट फोन में कैसे डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर गाइस देखिए यहाँ पर जूम करेंगे और यहाँ पर देखिए गाइस आपको दिख जाएगा बेसिक इन्फो, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए गाइस हमारे चैनल का जो है अबाउट है, अबाउट सेक्शन होता है गाइस, वो अबाउट सेक्शन यहाँ पर खुल के आ चुका है, ठीक है। यहीं से आप अपने चैनल का लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं और अपना चैनल का लिंक भी आप बना सकते हैं। इस पर गाइस हम एक वीडियो बना दिए हैं, वो आप देख सकते मेरे चैनल पे आके, ठीक है। यहाँ से देखिए आपको दिख जाएगा एड लिंक, यहाँ पर देखिए आपको दिखता होगा एड लिंक, ठीक है। इस एड लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। एड लिंक पर आप क्लिक करने के बाद जो है सो आपको अपना लिंक यहाँ पर किस तरह से पेस्ट करना है पहले यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए भाई हम जैसे लिंक ट्विटर एप्लीकेशन लिंक किए हैं, उसके बाद टेलीग्राम किए हैं, उसके बाद सब्सक्राइब लिंक जो मेरे चैनल का लिंक है वो हो गया, उसके बाद फेसबुक लिंक हो गया, उसके बाद इंस्टाग्राम लिंक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे एक कॉलम है यहाँ पर देखिए एक कॉलम है ना, इस कॉलम में आपको इस प्रकार से जो है क्लिक करना है और इस प्रकार से क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखे इंस्टाग्राम लिंक, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर लिख देना है इंस्टाग्राम लिंक, ठीक है। और लिखने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ देखिए इसके आगे हम आपको दिख जाएगा URL, यहाँ पर है ना URL, URL कॉलम में जो है सो आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर दिए हैं, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा गाइस, जो भी आप अपना URL उस समय कॉपी किए हैं, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे कुछ देर इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कुछ देर इस प्रकार से दबाना है। तो ऊपर में यहाँ पे देखिए फ्रेंड आपको क्या दिख जाएगा, पेस्ट का ऑप्शन, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका URL क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। URL आपको यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम लिंक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये आपको एड करने के बाद यहाँ पर आपको साइड में दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिएगा आपको साइड में यहाँ पर दिख रहा है पब्लिक, ठीक है। इस पब्लिक पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। पब्लिक पर क्लिक करने के बाद आपका जो है इंस्टाग्राम लिंक अपने यूट्यूब चैनल से लिंक हो जाएगा और उसके बाद पब्लिक के पास शो करेगी, ठीक है। यहाँ पर इसलिए अभी पब्लिक एनेबल नहीं है क्योंकि हम पहले से लिंक कर चुके हैं, यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। पहले से हम लिंक किए हैं इसलिए जो है सो यहाँ पे पब्लिक हम पहले से ही कर दिए हैं इसलिए जो है सो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से अपने YouTube चैनल के साथ अपने Instagram का लिंक अपने अबाउट फोन में डाल सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पब्लिक के साथ, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से बैक चलते हैं गाइस, आप जरूर समझ गए होंगे किस तरह से Instagram लिंक जो है सो अपने YouTube चैनल से लिंक किया जाएगा और अपने अबाउट सेक्शन में डाला जाएगा, ठीक है। तो यहीं से गाइस डालने पर जो है सो अबाउट सेक्शन में सारी लिंक जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए गाइस हम सब लिंक डालें, यहाँ पर टेलीग्राम ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम सब लिंक डालें, ठीक है। तो इस तरह से आप हर एक चीज़ का लिंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस अब यहाँ से क्या करते हैं, बैक चलते हैं। तो भाई इस वीडियो को अभी तक आप जरूर देख रहे होंगे, अगर गाइस इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे होंगे तो गारंटी है फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में जो भी कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया गया है ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और अब गाइस बहुत ही आसानी से आप अपने इंस्टाग्राम ID को अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट फोन से लिंक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। गाइस फिर से आपको बता रहे हैं अगर गाइस इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि गाइस इस चैनल पर इस तरह के हेल्पफुल कंटेंट हमेशा गाइस आपके लिए आपका भाई प्रोवाइड कराता रहता है। इसलिए गाइस आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साइड में बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर जरूर प्रेस कर लेना है जिससे गाइस इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। फिलहाल गाइस क्या, ओके बाय।